देखो एक क्वेश्चन है पॉकेट बुक क्वेश्चन देखते हैं एक बार ये उठा हम लोग क्वेश्चन देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि वंडर लिटिल वासे फॉर मॉम्स पॉकेट बुक द बुक हैड एंड नेम्स ऑफ हर फ्रेंड्स एंड अनयूजुअली इनफ ईच नेम वाज एग्जैक्टली एंड लिटिल लॉन्ग्स मतलब क्या कह रहा है कि एन वर्ड्स हैं ठीक है और हर एक वर्ड जो है उसकी लेंथ है एम ठीक है ऐसे यहां पे एक लेटर होगा दो लेटर तीन लेटर चार लेटर सबका जो लेंथ है इसमें यहां से लेके यहां तक हर स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो एम है ठीक है तो क्या किया ना इसने इसको तीन लेटर्स उठाने J के ठीक है J क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी दो स्ट्रिंग उठाई और उसको रिप्लेस करवा दिया मतलब जे में से के लेंथ का प्रीफिक्स स्ट्रिंग उठाया आई में डलवा दिया और आई में से जे के ही लेंथ का प्रीफिक्स उठाया जे में डलवा दिया ठीक है स्वैप प्रीफिक्स मतलब हम अपने प्रीफिक्सेस को स्वैप कर रहे हैं ठीक है तो हमको क्या बताना है हमको क्वेश्चन में क्या बताना है हमको बताना है कि अगर अगर हमको कुछ गिवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं तो आप ये बताओ कि वो कितने डिफरेंट स्ट्रिंग्स बना सकते हैं ठीक है सेम यही ऑपरेशंस लगा सकते हैं हम हमारे पास एन स्ट्रिंग्स हैं हर स्ट्रिंग का लेंथ है मैं ठीक है अब ये एन स्ट्रिंग और जिसका लेंथ है मैं इसमें से कोई भी के, के हमारा चॉइस है कि किसी भी के लेंथ का उठाओ स्वैप्स कराओ एट द एंड कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन जाएंगे कितनी नंबर ऑफ डिस्टिंग स्ट्रिंग्स बन जाएंगे ठीक है जैसे एक बार को हम अपना पहला एग्जाम्पल उठाते हैं चलते हैं देखो हमको क्या गिवन है बन एन है हमारे पास दो मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दो गिवन है M है है एम ठीक हर एक स्ट्रिंग का साइज है एम एक स्ट्रिंग है ए बी सारे कैप्स में है सारे कैप्स में है दूसरा स्ट्रिंग है बी ए ठीक है अब मैं इसमें से डिफरेंट डिफरेंट strings prefix उठा के चीज़ें बना सकता हूँ जैसे मैं क्या करता पहले के को मैं वन ले लेता कि मैंने इधर से पहला सा prefix उठाया और स्वैप करा लिया तो एक तो ए बी मेरे पास ऑलरेडी है एक मेरे पास बी ए एक ऑलरेडी है तो दो स्ट्रिंग्स मेरे पास पहले से हैं उसके बाद मैंने स्वैप करा लिया स्वैप कराने के बाद क्या बना एक बना बी ए बी और एक बना ए अलग स्ट्रिंग्स हैं तो एक ये बन गया एक ये बन गया ठीक है क्या उसके बाद देखो ए बी ट्रिपल ए बी ए और बी ए बी ठीक है अब अगर मैं के को टू कर दूं अगर मैं के को टू कर दूं और मैं स्वैप कराऊं तो क्या मैं कोई दूसरी स्ट्रिंग बना पाऊंगा जो ऑलरेडी बनी हुई नहीं है देखना मेरे यहां से लेके यहां तक उठा लेता हूं यहां से लेके यहां तक उठा लेता हूं इनको स्वैप कराऊंगा तो क्या कोई स्ट्रिंग बन पाएगी इसको स्वैप कराया मैंने तो बना बी ए बी और क्या बना ए बी ए भी ऑलरेडी बन चुका है ये बनाया ए ए भी ऑलरेडी बन चुका है ठीक है तो जिस स्ट्रिंग्स तो नहीं बनी हमारे पास ठीक है एक बार के एसकोल टू थ्री लेते हैं और स्वैप कराते हैं देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमको ओरिजिनल स्ट्रिंग से ही प्रीफिक्स उठाने हम यहाँ से भी उठा सकते थे यहाँ से भी अगर मैं दो लेंथ के प्रीफिक्स उठाता और एक्सचेंज कराता तो भी हम कुछ नया नहीं बना पाते ठीक है ये रहा बी ए ये ए इसको भी स्वैप कराते तो वापस हम इस पर और इस पर आ जाते सही है ठीक है अब इधर आओ इधर है बी और ए इधर हमारे पास बी है और ए है ठीक है अगर मैं के इक्वल टू थ्री लेता हूँ और टोटल को साफ करा देता हूँ ए बी और बी ए को साफ करा देता हूँ तो बी ए और ए बी बनेगा ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं सही है तो इससे हम इससे चार ही डिफरेंट डिस्टिंग स्ट्रिंग्स हम बना पाएंगे ठीक है अब देखना कि हम ये कैसे सॉल्व कैसे कर सकते देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक स्ट्रिंग है ए बी ये एक स्ट्रिंग है बी ए ठीक है ये वाला देखो यहां पे, मान लेते हैं एक और स्ट्रिंग थी सी ए बी ठीक है फर्स्ट पोजीशन पे देखना फर्स्ट पोजीशन पे कितने ऑप्शन है मेरे पास लेटर लगवाने के तीन ऑप्शन है या तो यहां पे ए आ सकता है या यहां पे बी आ, आ सकता है यहां सी आ सकता है है ना यहाँ पे तीन ऑप्शन थे मेरे पास ठीक है यहाँ पे कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकता था मैं तो मैं अगर इनको स्वाप करा के जो भी स्ट्रिंग्स बना रहा होता ना जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना हो रहा होता फर्स्ट के को के प्रीफिक्स की स्ट्रिंग्स उठा के मैं स्वाप करके जो भी स्ट्रिंग्स बना रहा होता उनको चेंज नहीं करवा पाता उसको में कोई नया ऐड नहीं करवा पाता ये सेकेंड पोजिशन ठीक है है ना ठीक है यहाँ पे कितने ऑप्शन थे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे ठीक है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है ये भी मैं एक्सचेंज करा सकता हूँ तो यहाँ पे मैं दो चीजें करवा सकता था तो इसके लिए हमको मतलब ये दिख रहा है कि यार कोई सी भी स्ट्रिंग हो कोई सी भी स्ट्रिंग हो मान लो एन स्ट्रिंग्स हैं एन स्ट्रिंग्स हैं ठीक है, है और एम लेंथ है तो मैं मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं यहां पे जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर हैं उनको मैं एक एक करके कर, कर करके लगा सकता हूं मान लो मान लो मैं एक एक करके स्ट्रिंग बना रहा हूं बी बी ए है ना ठीक है, है अब मेरे को इतना तो बता चल गया कि स्वैप कराते कराते मैं ऐसा तो कर ही सकता हूं कि एक नई स्ट्रिंग बन जाए या फिर या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने एक बार के वन लेंथ का प्रिफिक्स लिया एक बार के टू लेंथ का प्रिफिक्स लिया और जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट पोजिशन मेरे पास ऑप्शन है ए उठाऊं या बी उठाऊं ठीक है सिमिलरली दूसरे पोजीशन पे भी ऑप्शन क्या हो सकता था ए उठाऊं या ए उठाऊं है ना एक ही कैरेक्टर है इस वाली पोजिशन पे तो ए ही है तो मैं और तो कुछ ऑप्शन बच ही नहीं है मेरे पास सिमिलरली थर्ड पोजिशन पे मेरे पास ऑप्शन था बी उठाऊं या ए उठाऊं ठीक है तो मैं प्रिफिक्स उठाते उठाते हर टाइप की स्ट्रिंग बना सकता हूँ अगर मेरे पास एस मेरे को बता बताओ कि एक नई स्ट्रिंग बनानी है एस ठीक है कितने लेंथ की बनेगी एम ही लेंथ की बनेगी क्योंकि एम ही करेक्टर्स हैं है ना अब पहले पोजीशन पे दूसरे पोजीशन पे तीसरे पोजीशन पे एंड सो ऑन सो ऑन ऑन एम पोजीशंस, एम पोजीशंस, मेरे को चीजें डलवानी है, है ना यहां पे मैं कितनी चीजें डलवा सकता हूं जितने डिफरेंट करेक्टर्स हैं सारी की सारी एन लेंथ एन लेंथ एन जितनी भी एन स्ट्रिंग्स हैं सबके सब में जितने भी मेरे पास ऑप्शन है मैक्सिमम सब्बिस हो सकते हैं ना इनमें से जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो मैं यहाँ के लिए लिए ठीक है तो मेरे को डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्शन हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स में बना पाऊंगा ठीक है थोड़ा सा कोड करते हैं फिर देखेंगे ठीक है आ, टेस्ट केसेस तो हमको इसमें लेने ही नहीं है तो एक ही टेस्ट केस क्या क्या इनपुट गिवन है इनपुट गिवन है हमको इस फॉर्म में कि एक एन गिवन होगा एक एम गिवन होगा और फिर एन होंगी तो एन ले लिया मैंने उसके बाद एम लेना है एम ले लिया मैंने उसके बाद मेरे को एक एरे चाहिए होगा जिसमें मैं सारी स्ट्रिंग्स डलवा लूंगा तो मेरे को एक एरे चाहिए जिसमें मैं सारी स्ट्रिंग्स लगाऊंगा एन साइज का उसके बाद मैंने लूप चलाया सारे एनस ले जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग्स है वो मैंने इनपुट करवा ली ठीक है अब मेरे को यार हरेक इंडेक्स पे जीरो से लेके एन तक के, के हर एक इंडेक्स पे मेरे को ये पता लगाना है कि कितने कैरेक्टर पे इनपुट uh, करवाने के है ना उस जगह पे मेरे को एक स्ट्रिंग एक करेक्टर डलवाना है ना इस वाली पोजीशन में मेरे को एक करेक्टर डलवाना है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे जितने इस वाली सारी एन स्ट्रिंग्स में सारी की सारी एन स्ट्रिंग्स में जीरोथ पोजीशन पे जितने डिफरेंट कैरेक्टर हैं उतने ऑप्शन होंगे सही पता ना अगर यहाँ पे ए होता बी होता सी होता डी होता ऐसे एन स्ट्रिंग्स होती और फिर डी ही होता डी ही होता तो मेरे पास चार ही ऑप्शन होते तो जितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उतने ऑप्शन होंगे तो एक बार को ना सारे ऑप्शन गिन लेते हैं तो बुलियन रख लेता हूँ मैं कि मेरे को पता चल जाएगी कौन कौन से करेक्टर्स हर जगह प्रेजेंट है ठीक है सी बोल बोल लिया new boolean, M length का बनेगा क्योंकि डिफरेंट ऑप्शन और मैक्सिमम टू मैक्सिम छब्बीस हो सकते हैं एक एक करके हर एक स्ट्रिंग पे गए और उस हर एक स्ट्रिंग के हर एक किस पे गए हर एक पोजीशन पे गए और जे इज इक्वल टू जीरो से मैंने करेक्टर निकाला जो कि हो जाएगा एस टी आर आई पे जो भी रखा हुआ है आई के जे पोजीशन पे जो भी रखा हुआ है कैरेट जे ठीक है और ये मैंने अगर ट्रू है यहाँ पे ऑलरेडी तो ट्रू ही रहेगा फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा Frequency ऑफ आई सी माइनस कैप्स में है सारे तो ये करा लिया डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स से वो आ गए अब बताओ मेरे को बताना था कि मैं कितने डिफरेंट सब कितने डिफरेंट स्ट्रिंग्स बना सकता हूं ठीक है अब अगर मैं कहूं नॉर्मल मैथ है, है ना नॉर्मल पीएनसी अगर मैं कहूं, कि यार यहाँ पे यहां पे ना किसी भी बंदे को प्लेस कराने के टी ऑप्शन है यहाँ पे किसी बंदे को प्लेस कराने के एस ऑप्शन है यहाँ पे क्यू ऑप्शन है तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल कितनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स बन पाएंगी ऑब्वियसली नॉर्मल सा है ये तो मैथ्स की p क्रॉस s क्रॉस q है ना सही बात है मान लो मान लो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे s को तीन मान लेते हैं यहाँ पे q को तीन मान लेते हैं ठीक है ab ab हम्म abc और abc सही है तो मैं क्या कर सकता था एक बार a बना लिया एक बार ab a बना लिया एक बार ac a बना लिया एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन तो

उसका मल्टीप्लीकेशन है ना तो हर एक हर एक पोजीशन पे चलते हैं हर एक पोजीशन पे हम गए हर एक पोजीशन पे गए और इस हर एक पोजीशन के लिए मैंने क्या किया मैंने काउंट निकलवा लिया कि कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स मेरे को मिलेंगे ठीक है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जे इज ट्रू तो यहां पे एक डिफरेंट डायरेक्टर है c प्लस प्लस कराया अब ये जो c है ना ये एक्चुअली में c नहीं बोलते इसको बोल देते हैं कि ऑप्शन कितने हैं ठीक है कितने ऑप्शन हैं इस पोजिशन के लिए ठीक है एक मेरे को आंसर बनाना है और सबको जीरो से इनिशलाइज नहीं, नहीं कराया क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई कराना है ना ठीक है अब जो आंसर होगा वो क्या होगा आंसर मॉड ले लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय सी ठीक है यही होगा ना हर एक ऑप्शन के लिए मैंने मल्टीप्लाई करा लिया कितने ऑप्शन थे सबका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा आंसर है मॉड कराया प्रिंट करा लिया लास्ट में सस्तम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सर ठीक है अब एक बार को लेके चलते हैं इसको चलाते हैं चला के देखते हैं और कहीं फटा रे नहीं बनाया हमने ठीक है चला के देखते हैं एक बारी इस कोड को आ, कुछ दिक्कत आ गई थी एक बारी यहां जाके चला के देखते हैं। हुँ। हुँ। करते हैं समेट खते हैं आ, चल रहा है, चल रहा है। और एक्सेप्टेड ठीक है यार थैंक यू